पहले लेक्चर में हम ये जानने वाले हैं कि हाउ टू गेट सक्सेस इन जेईई एंड नीट। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है कि हर बच्चे के दिमाग में होता है, या अपन पास रिजल्ट देखें तो कई अच्छे बच्चे होते हैं जो सिलेक्शन से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, तो कई बार दिमाग में प्रश्न उठता है कि बच्चे सेलेक्ट क्यों नहीं हुए, जबकि वो अच्छे थे पढ़ने में, स्कूलों में बहुत अच्छा किया, ठीक है ना, पढ़ाई भी की साल भर, ठीक है, और उसके बाद भी सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो पेरेंट्स के दिमाग में भी होता है और बच्चे के दिमाग में भी होता है। ठीक है, तो किसी भी कॉम्पिटिशन में जो सक्सेस आती है, ठीक है, उसके पीछे के जो रीजन है, बिहाइंड द सक्सेस, उन रीजन्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो अगर मैं सबसे पहला रीजन अगर डिसाइड करूं, ठीक है, तो फर्स्ट रूटीन जो है, फर्स्ट रीजन वो है रूटीन, या इसको नाम दे दें हैबिट, ठीक है, या हम इसको नाम दे दें डिसिप्लिन। तो सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि सक्सेस में सबसे फोरमोस्ट जो कंट्रीब्यूशन होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, वो होती है रूटीन, हैबिट्स और डिसिप्लिन। तीनों चीजें ऑलमोस्ट एक दूसरे जुड़ी हुई है कि अगर आप किसी चीज को बार बार करते हैं वो हैबिट बन जाती है, वही चीज आपका रूटीन होता है, और किसी भी रूटीन को बनाने के लिए हमें एक शीयर डिसिप्लिन की जरूरत होती है। ठीक, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा योगदान सफलता में इसका है, यानी कि ये एक ऐसी चीज है कि कई बार हम ये सोचते हैं कि दो बच्चे जो हैं एग्जाम दिए या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आए, एक बच्चा टॉप कर रहा है थ्रू आउट ईयर, हम उसके बराबर नंबर नहीं ला पा रहे, तो हमारे दिमाग में आता है कि यार ऐसा ये क्या कर रहा है कि जो मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक, तो दो बच्चों में जो बेसिक डिफरेंस होता है कोचिंग के दौरान, कोचिंग से पहले, तो हमें यह जानना जरूरी है कि उसका रूटीन क्या है पढ़ने का। ये रूटीन ऐसा नहीं कि चार पांच दिन से बनता है, ये रूटीन बरसों से बनता है, कई सालों की मेहनत जो है बच्चे की वो उसके रूटीन को डिसाइड करती है, यानी बच्चे के पढ़ने की हैबिट्स। ठीक है ना, कई बार ऐसा होता है कि जब छोटी क्लास में है तो वहां ज्यादा मेहनत करनी नहीं होती, ठीक है ना, तो जो बच्चा अच्छे आईक्यू लेवल का है वो अच्छा कर जाता है भले वो कम पढ़ता हो। ठीक है, लेकिन जब वो बच्चा कोचिंग में एडमिशन लेता है, जब वो जेईई जैसे कॉम्पिटिशन की तैयारी करता है, तो उस केस में वहां पर वो चीज उसके लिए बड़ी डेंजरस हो जाती है। यहां ऐसा नहीं हो सकता कि अपन कम पढ़ के जो है बहुत ज्यादा नंबर ले आए, क्योंकि कॉम्पिटिशन यहां बहुत ज्यादा टफ है, यहां सभी बच्चे जो है मेहनत कर रहे हैं अपने साथ में। तो सबसे पहली चीज जो है हमें देखनी है कि रूटीन हमारा कैसा है। पास्ट में हो सकता है कि हम कम पढ़ने वाले रहे, ठीक है, लेकिन हमें उस रूटीन को बदलना होगा। तो कोई भी चीज है हैबिट, 40 दिन में जो है अपन एक हैबिट को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, रूटीन का मतलब ये है कि सुबह हम कितने बजे उठते हैं, उसके बाद हम उस समय को कैसे यूटिलाइज करते हैं। अगर हम कोचिंग जाते हैं 7 से 1 बजे तक, उसके बाद जब हम घर पहुंचते हैं तो उसके बाद हमारा पढ़ने का रूटीन क्या है, हम कितना समय दूसरी एक्टिविटी में लगाते हैं और कितना समय खुद के पढ़ने में लगाते हैं। यानी ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल टाइट डिसिप्लिन के साथ हमें पढ़ना चाहिए कि मैं अगर 3 से 6 बजे तक पढ़ता हूं तो रोज मुझे वो टाइम पूरा फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। इस चीज को अपन बोलेंगे रूटीन। और यदि हमने एक बार अच्छा रूटीन बनाने पर जोर दिया तो उस केस में सफलता हमारी पक्की। तो सबसे पहला काम हम आज से डिसाइड करेंगे कि हम जो भी काम करें वो तय समय पे करें, यानी कि हमें क्या करना है कि हमारे एक टाइम टेबल को डिसाइड करना है, उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ये एकदम साइंटिफिक रीजन है एक्चुअली। इवन जो है कई सारे एनिमल्स पे भी एक्सपेरिमेंट हुआ है कि एक तय समय में जब उनको खाना दिया जाता है तो उसी टाइम जो है उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इंसानों के केस में भी ऐसा ही है कि अगर हमने कुछ हैबिट बना रखी है कि अगर मान लो सुबह हम 7 बजे चाय पीते हैं या 4 बजे शाम को चाय पीते हैं, तो वो हैबिट हमारी कंटिन्यू होती है। तो ऐसा ही चीज हमें पढ़ाई के साथ भी डेवलप करनी है कि हम पढ़ने बैठे तो हमें खुद ही लग जाए कि अब मेरा पढ़ने का टाइम हो रहा है। ठीक ना, तो ये चीज तब होगी कि हमें अंदर से जो झील उठेगी कि पढ़ना है हमें, वो तब उठेगी कि जब हम जो है उस चीज को अपनी हैबिट्स में ले आएंगे। और हैबिट के लिए हमें तगड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए। तो अगर अपन विद्यार्थी के लिए बोले, स्टूडेंट के लिए, तो उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है, सबसे फॉरमोस्ट क्वालिटी ये है। ये चीज आपने कर ली तो आधा काम आपका वैसे ही हो गया। ठीक है, दूसरी जो चीज अपन यहां पे देखेंगे वो है सिटिंग। मोरओवर ये चीज जो है अपना रूटीन से संबंधित है, पर सिटिंग का मतलब ये है कि जब अपन पढ़ने बैठ रहे हैं तो उस वक्त हम एक साथ कितने घंटे स्ट्रेच में एक साथ पढ़ रहे हैं।
ऐसा तो नहीं है कि हम आधा घंटा पढ़े उसके बाद एक घंटा हमने वेस्ट किया, फिर हम आधा घंटे पढ़े उसके बाद हमने एक घंटा फिर वेस्ट किया। तो सिटिंग का मतलब ये है कि अगर अपन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 3 घंटे हमें एक साथ बैठना होता है विद प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन। तो हमारी सिटिंग का जो है एक गोल ये होना चाहिए कि जो ईच सिटिंग है हमारी वो होनी चाहिए हमारी 3 घंटे की। तो अगर अपनी सिटिंग इतनी नहीं है तो हम डेली जो है जितनी भी सिटिंग हम करते हैं उसमें 10-10 मिनट जोड़ते हुए जाएं और इस गोल को हम अचीव करें, ठीक है। उसके बाद अगला चीज हमें क्या करना है कि हमें इस केस में जो है टाइम नोट करना है, यानी कि डेली हम कितना घंटा बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए, ये हम नोट डाउन करेंगे, ठीक है। और फिर हम उसमें उसका डेली का एवरेज निकालेंगे इन 1 वीक, एवरेज 1 से वीक। एवरेज हम इसलिए निकाल रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हमारा पढ़ने का रूटीन बिल्कुल डिस्टर्ब हो, हम किसी दिन 2 घंटे पढ़ रहे हो, किसी दिन 6 घंटे पढ़ रहे हो, उस केस में एवरेज हमारा 4 घंटे का निकल के आएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो है डेली का जो सिटिंग होना चाहिए खुद का स्टडी वो कम से कम 6 to 8 आवर्स का स्टडी हमें रिक्वायर्ड है फॉर द सक्सेस इन जी। ये मैं वो घंटे बोल रहा हूं जो आपको घर पे पढ़ना है खुद से। अब ये इंश्योर करने के लिए हम इतना पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम डेली जो भी सिटिंग है उसका टाइम जो है वो नोट करेंगे। और टाइम नोट करके 1 से वीक हर मंडे को या हर संडे को बैठ के अपन उसका एवरेज निकालेंगे कि डेली कितने घंटे का एवरेज हमारा निकल रहा है। अगर हम डेली 6 से 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो सफिशियंट है। अगर हमारा एवरेज सपोज कीजिए कि लेस देन 6 आवर है तो इट इज नॉट सफिशियंट। इसका मतलब हमारे एफर्ट्स में कमी है। बाकी फैक्टर्स के बारे में अपन बाद में बात करें, पहले हम अपने एफर्ट्स के बारे में बात करें। अगर हमारे एफर्ट्स इतने हैं तो इसका मतलब अपनी तरफ से पूरा काम है, यानी हम किसी भी मोमेंट पे अपने आप को ब्लेम नहीं कर सकते कि यार मैं नहीं पढ़ा। तो तैयारी के दौरान ये चीज कभी भी नहीं आनी चाहिए कि हमारे दिमाग में आए कि यार मेरे मेहनत में थोड़ी कमी है। मेहनत आपकी तरफ से जो है वो पूरी होनी चाहिए, ठीक है, और वो तभी होगा जब आप एवरेज ये मेंटेन करोगे। तो पहली चीज जो दूसरी चीज जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सी है कि हम सिटिंग जो है वो 6 से 8 घंटे की रोज मेंटेन करेंगे और कभी भी ये नहीं होने देंगे कि 6 घंटों से कम घंटे की सिटिंग हमारी हो रही है, क्योंकि वो इस एग्जाम के लिए पर्याप्त नहीं है। कॉम्पिटिशन जितना ज्यादा है ये सब आपको आइडिया है, उस कॉम्पिटिशन को ओवरकम करने के लिए हमें अपनी तरफ के जो एफर्ट है उनमें कमी नहीं करनी। इसके बाद सिटिंग के बाद अगर मैं अगला पॉइंट लूं, ठीक है, तो तीसरा पॉइंट जो है सिटिंग के बाद वो है कि होमवर्क नोट डाउन, या मैं इसको शॉर्ट में बोलूं कि होमवर्क डायरी हमें एक बना के रखनी है। होमवर्क डायरी में हम रोज जो भी होमवर्क हमें मिल रहा है उसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है, और नोट डाउन करके हम ये इंश्योर करेंगे कि वो होमवर्क हमारा हो गया है इंश्योर बिफोर नेक्स्ट क्लास। तो हम ये देख के आएंगे कि होमवर्क हमने किया है या नहीं किया है। तो अक्सर बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि 3 सब्जेक्ट का होमवर्क करना था, मैं 2 ही कर पाया, 1 सब्जेक्ट मेरा छूट रहा है। 1 सब्जेक्ट छूटने की वजह सिर्फ यही रहेगी कि हम कम पढ़ रहे हैं। जितना हमें डेली सिटिंग देनी है अगर हम उसे कम देंगे तो हमारे साथ यही होगा, और अगर हम 3 में से 2 सब्जेक्ट का होमवर्क करेंगे, 3 सब्जेक्ट नहीं करेंगे तो हम पिछड़ते जाएंगे। तो हमें ये चीज इंश्योर करनी है हर क्लास में आने के पहले कि हमने लास्ट दिन जो होमवर्क दिया गया था उसको हमने कर लिया है पूरी तरीके से, ठीक है ना। होमवर्क डायरी में ही आप ये मेंटेन कर सकते हो कि हमने टाइम नोट कर लिया कितने घंटे हमने आज पढ़ाई की और फिर उसका एवरेज हमें निकालना है बाद में, ठीक। अब दूसरी चीज क्या है कि ऐसा पॉसिबल है कि हम होमवर्क कर रहे हैं तो 3 में से किसी रोज हम 2 ही सब्जेक्ट का होमवर्क कर पाए, 3 हम सब्जेक्ट नहीं छू पाए। तो एक आदत हमें हमेशा शामिल करनी है, और वो आदत शामिल ये करनी है हमें कि रीड ऑल द क्वेश्चंस बिफोर कमिंग टू क्लास। मतलब ऐसा ना हो कि हम डिस्कशन क्लास में आ रहे हैं और हमने क्वेश्चन जो है वो देखे नहीं है।
अगर हम क्वेश्चंस को देख के आएंगे तो थोड़ा क्लास में हमारा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, हमें लगेगा कि ये क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है, अब इसका होमवर्क या इसका आंसर यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये चीज जो है होमवर्क डायरी मेंटेन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम डिसिप्लिन के साथ पढ़ना चाह रहे हैं, कंटिन्यूटी के साथ पढ़ना चाह रहे हैं। हमें यह पता रहेगा कि इस दिन का होमवर्क मेरा पेंडिंग है, तो जब भी समय मिलेगा हम पुराने होमवर्क को जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद तैयारी का जो सबसे एक इम्पोर्टेंट फेज आता है वो आता है कि एफर्ट्स एट होम। अगर हम ये कहें कि तैयारी के दौरान सबसे पहली फॉरमोस्ट क्वालिटी स्टूडेंट में क्या होनी चाहिए, तो वो है डिसिप्लिन या रूटीन। और अगर हम ये बोलें कि तैयारी के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, वो है एफर्ट्स एट होम। अब एफर्ट्स एट होम के पहले मैं एक चीज इसमें जो है वो ऐड कर दूं कि अब अगर अपन तैयारी कर रहे हैं तो नेक्स्ट थिंग इज लेक्चर क्लास। तो लेक्चर क्लास में जो पहली वाली चीज है वो ये है कि हमें क्लासेस रेगुलर अटेंड करनी है। कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमें कम समझ में आ रहा है, ठीक है भैया, नहीं समझ में आ रहा है, तो स्टूडेंट उस केस में क्लास में जाना बंद कर देता है, ठीक है ना, और उसके बाद सोचता है कि चलो मैं नोट जेरोस करवा लूंगा, उससे पढ़ लूंगा। लेकिन क्लास का जो है वो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो क्लास हमें छोड़नी नहीं है, साल भर रेगुलरली हमें क्लास को अटेंड करना है, ये दिमाग में बिठा ले। क्योंकि अक्सर ये मैंने देखा है कि बच्चे जो है अटेंडेंस 100% रहती नहीं, कभी बच्चे किसी न किसी वजह से जो है कोई एबसेंट हो गया, ठीक। तो हमें क्लास अपने इंडिविजुअल लेवल पर ये ध्यान रखना है कि क्लास मुझे रेगुलर अटेंड करनी है। अब क्लास में जो चीज थ्योरी चल रही है, ठीक है ना, वो चीज पे हमें ये इंश्योर करना है अपने लेवल पे कि हमें 100% समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको क्लास में कम समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आपको क्लास में ही पूछना चाहिए उस चीज को। यानी ऐसा नहीं है कि आप झिझक के मारे, ठीक है ना, या शर्म के मारे जो है कोई डाउट ना पूछो और क्लास से बिना समझे बाहर निकल जाओ। तो क्लास इसलिए होती है लेक्चर क्लास कि आप यहीं पे बैठे उस थ्योरी पार्ट को पूरे अच्छे तरीके से समझ लें, ठीक है ना। टीचर आपके लिए एफर्ट्स कर रहा है तो ये आपकी इंडिविजुअल जिम्मेदारी है कि आप, अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो कन्वे करें। तो पहला काम हमें ये करना है कि क्लास में जो है हम डाउट पूछ लें जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। उसके बाद क्लास के बाद जब हम क्लास से फ्री हुए, कोई चीज हमें समझ में नहीं आई तो हम क्लास के बाद में पूछें, जब टीचर फ्री होगा तो क्लास से बाहर जाके पूछें। घर जाके हमें लेक्चर नोट्स को एक बार रिवाइज करना है, ठीक है ना, स्मार्ट रिवाइज, मतलब थोड़ा जल्दी 10-15 मिनट में, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन भी करने हैं। तो जो रिविजन हम कर रहे हैं उसमें कोई डाउट रह गया तो अगले दिन आके पूछ लें। तो किसी भी तरीके से एफर्ट हमें ये रखना है कि जो थ्योरी क्लास चल रही है उसमें मुझे 100% समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसका रीजन फिर ये हो सकता है कि भाई टीचर से आपको जो है जो कन्वे कर रहा है वो अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं हो पा रहा है। ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं है कि हर बार जो है बच्चे की गलतियों की समझ नहीं पा रहा है। हो सकता है कि टीचर अनएक्सपीरियंस्ड हो, नया नया पढ़ा रहा हो, तो हो सकता है उतने अच्छे तरीके से कन्वे नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो यहां पे आपको अपने आस पड़ोस में साथियों से आप पूछ सकते हो कि भाई कितने लोगों को समझ में आ रहा है। अगर मोस्ट ऑफ द क्लास ये बोलती है कि समझ में आ रहा है हमें, तो इसका मतलब हो सकता है कि केवल हमारे एफर्ट्स में थोड़ी बहुत कमी हो। अगर सभी को नहीं समझ में आ रहा है तब तो डेफिनेटली हम ब्लेम कर सकते हैं कि थ्योरी जो है ढंग से डिलीवर नहीं की जा रही। लेकिन अगर आस पड़ोस में अपने लोग कहते हैं कि भाई हमें समझ में आ रहा है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए कि घर जाके जो लास्ट क्लास में पढ़ाए हुए लेक्चर से उनको ढंग से पढ़े ताकि कनेक्टिविटी बढ़ी। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रीवियस क्लास में पढ़ाया गया उसका कनेक्शन नेक्स्ट क्लास के साथ है, बच्चा उसको ढंग से नहीं समझा या ढंग से घर जाके नहीं पढ़ा तो फिर उसको दिक्कत आती है नेक्स्ट लेक्चर से। तो ये चीज जो है हमारे हाथ में है, टीचर के हाथ में है, तो इसको हम कोशिश करेंगे कि पूरा तुम्हें समझाए। अगर तुम्हें कोई चीज कम समझ में आ रही है तो बेझिझक जो है हर क्लास में आप पूछिए, और आगे तभी जाने दीजिए थ्योरी पार्ट में जब आपको वो टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो यहां पे आपको थोड़ी सी झिझक अपनी हटानी है और डाउट्स को पूछना है, ठीक है ना, इसमें कोई गलत नहीं है।
अगर आप क्लास में डिस्टर्ब करके डाउट पूछोगे तो उसके लिए टीचर आपको बताएगा ही बताएगा, और इन केस अगर कोई आपको रोकता है तो बाहर जरूर बताएगा आपको, है ना, क्लास के बाद। तो वो आपकी इंडिविजुअल जिम्मेदारी है कि आप उसको जो है डाउट्स को पूछो, अपनी थ्योरी को 100% करके ही आगे बढ़ो। तो थ्योरी क्लास इसलिए है कि आपको जो है लेक्चर जो है क्लास में समझ में आ जाए 100%। अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, वो है कि प्रैक्टिस एट होम, ठीक है ना, यानी एफर्ट्स एट होम बोलते हैं अपन, कि घर जाकर हम क्या एफर्ट्स डाल रहे हैं। थ्योरी क्लास सबके लिए कॉमन है, लेकिन उसी क्लास के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन सबकी परफॉर्मेंस एक जैसी नहीं है। उन सबकी परफॉर्मेंस एक जैसी क्यों नहीं है? या तो किसी को ज्यादा समझ में आ रहा है क्लास में, या फिर कोई घर जाकर एफर्ट्स अपने पूरे दे रहा है। तो तैयारी के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि घर जाके आप पूरी ईमानदारी से होमवर्क करें। अब होमवर्क करने में पहली चीज तो आपकी ये आएगी कि अगर आप बैठेंगे, सिटिंग देंगे और डेली 6-7-8 घंटे की सिटिंग देंगे तो होमवर्क कर पाएंगे। अगर आप 3-4 घंटे की सिटिंग देंगे तो आप 3 में से 1 या 2 क्लास, 2 जो सब्जेक्ट होंगे उन्हीं का होमवर्क कर पाएंगे। तो सिटिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। उसमें अपन को क्या करना है कि जब होमवर्क अपन करेंगे तो सबसे पहले जो क्लास में थ्योरी पढ़ाई है उसका एक स्मार्ट जो है उसको अपन रीड करेंगे। रीड थ्योरी 10-15 मिनट्स। अब लेक्चर जैसे 1 घंटे का है तो घर जाकर उसको एक बार पहले ब्रश अप करेंगे अपन, और उसके बाद फिर हम जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है तैयारी का वो है क्वेश्चन सॉल्विंग। अब देखिए एग्जाम जो हमारा है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ही करना है। अगर कोई बच्चा कहे कि मुझे क्वेश्चन एग्जाम में अच्छा करना है तो उसका एक ही तरीका है कि क्वेश्चन उसके द्वारा ज्यादा किए जाए। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अपन को सोल्व करने हैं घर जाकर, ठीक है। अब यहां पे कुछ चीजें आती है कि जब हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो वहां पर हो सकता है कि शुरुआती लेवल में जब हम किसी 10 क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हैं हमने 4 क्वेश्चन ही कर पाए या हम 6 क्वेश्चन ही कर पाए, ठीक है। तो शुरुआत में क्या होता है कि बच्चे का एप्टीट्यूड जो है क्वेश्चन सोल्विंग का वो थोड़ा कम हो सकता है कि वो 10 क्वेश्चन में से 4 ही कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो लगा रहेगा, कंटिन्यूस एफर्ट मारता रहेगा, तो धीरे धीरे करके उसका ही एप्टीट्यूड सुधरेगा और फाइनली वो ज्यादा क्वेश्चन कर पाएगा। तो सबसे ज्यादा जो डीमोटिवेटिंग जो डीमोटिवेशन आता है बच्चे में वो इसी दौरान आता है, पढ़ाई के दौरान। यानी कि वो क्वेश्चन सोल्व करने बैठा है और उससे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं तो उसके दो ही उसको लगता है कि या तो मुझे जो है समझ में नहीं आ रहा टॉपिक। तो हर बार ऐसा नहीं है, हो सकता है आपको थ्योरी समझ में आ रही हो लेकिन आपका क्वेश्चन को हिट करने का अप्रोच थोड़ा सा अलग हो। तो क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड जो है वो सुधरता है केवल क्वेश्चन करने से। तो क्वेश्चन आप करते जाएंगे ये एप्टीट्यूड सुधरता जाएगा, और जितने ज्यादा आप क्वेश्चन कर लेंगे उतना ही जो है आपका फाइनल एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा होगा उसी के आधार पर। तो क्वेश्चन हमें सोल्व करना है, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट का होमवर्क करना है अपन को हर बार, ठीक है। और उसके बाद एक चीज मैंने बता दी कि अगर हम किसी सब्जेक्ट का होमवर्क छूट जाए तो बिफोर कमिंग टू क्लास हमें एटलीस्ट उसके क्वेश्चंस रीड आउट करके ही आए, ताकि जो डिस्कशन पार्ट होगा उसमें हम थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट कर पाए, ठीक है। तो अगली चीज जो है ये हमारी प्रैक्टिस एट होम हो गई। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही हो गई कि आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करके आए, आपसे भले कम क्वेश्चन सोल्व हो रहे हो लेकिन आपको लगे रहना है कंटिन्यूसली, क्योंकि ये एक दिन का नहीं है तैयारी, साल भर हमें मोटिवेशन बना के रखना है। तो इस पे हम ध्यान देंगे नहीं कि हम कितने कर पा रहे हैं, हमें इस पे ध्यान देना है कि हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं पूरे ट्राई। तो हमें ट्राई करना है क्वेश्चंस को अपने फुल एफर्ट्स के साथ। तो यहां पे जो है फुल एफर्ट्स के साथ आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अगली चीज जो है उसके बाद है नेक्स्ट डे डिस्कशन। अब अगर अपन कोचिंग के बारे में बात करें आईटी जेई की और नीट की, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि नेक्स्ट डे जो क्लास में डिस्कशन होता है, डिस्कशन में हम एक्टिवली एनर्जी वाइज तभी पार्टिसिपेट कर पाएंगे जब घर पे हमने होमवर्क किया हुआ होगा। यहां पे क्या होता है कि अगर कोई बच्चा होमवर्क नहीं करके आया तो क्लास में जो है उसको बोरियत फील होगी, ठीक है ना, उस वक्त वो डिस्कशन में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा।
ठीक है ना, तो वो वाला टाइम उसका बिगड़ रहा है और उस टाइम पर वो नेगेटिविटी उसके दिमाग में आएगी आएगी। तो उससे बचने का केवल एक ही उपाय है कि हम जो है हर बार होमवर्क करके क्लास में बैठे। अब डिस्कशन में सिंपल एक तरीका होता है, सबका एक अलग अलग तरीका होता है डिस्कशन करने का, पर नॉर्मली सब टीचर इसी तरीके से करते हैं कि क्वेश्चन को रीड आउट करके पूछते हैं कि इस क्वेश्चन में किसको डाउट है, ठीक है, उस वक्त आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। कोशिश करें कि क्लास में डाउट्स को पूछे जो आपसे नहीं हुआ है। तो जितने क्वेश्चन हम घर पे कर पाए, मान लीजिए 10 क्वेश्चन हमें दिए गए थे, हमने 4 क्वेश्चन होम पर कर लिए, तो 6 क्वेश्चन हमें नेक्स्ट डे जो है वो पूछने ही पूछने हैं, इसमें शर्म नहीं करनी, ठीक है। क्लास में पूछेंगे या क्लास के बाहर पूछेंगे, मान लो कोई क्वेश्चन रह गया था। अब देखिए डिस्कशन पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, और उसके बाद अगली चीज है डिस्कशन। जब हम डिस्कशन कर रहे हैं किसी क्वेश्चन का, तो हो सकता है कोई क्वेश्चन आपने कर लिया और उसको अलग तरीके से क्लास में बताया जा रहा हो, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप वहां पर हर क्वेश्चन को नोट डाउन करें, ठीक है। मतलब कि यहां पे जो चलेगा डिस्कशन, तो हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में लिखे। कई बार बच्चे जो है आलस के मारे, लापरवाही के मारे जो है क्वेश्चन को नोट डाउन नहीं करते। तो हमें होमवर्क डायरी, मतलब अगर अपन ये बोले कि थ्योरी की जो कॉपी है वो मेंटेन करनी है, होमवर्क डायरी मेंटेन करनी है कंटिन्यूटी के लिए, और तीसरी चीज जो क्वेश्चन सॉल्विंग जो डायरी है वो अपन को मेंटेन करनी है, यानी कि 10 में से 10 क्वेश्चन के सॉल्यूशन वहां पे होने चाहिए। अगर एक क्वेश्चन एक तरीके से हमसे हो गया है, दूसरे तरीके से क्लास में डिस्कस हुआ, तो दूसरा मेथड हम लिख के ले जाएंगे। और अगर मैं बात करूं रिविजन की, ठीक है, रिविजन के बारे में और मैं आगे बात करूंगा, लेकिन रिवीजन जो है उससे हमारे दिमाग में दो चीज, एक ही चीज आती है कि हमें थ्योरी पार्ट को पढ़ना है, ऐसा नहीं होता। रिवीजन जो है दो चीजों का होता है, एक थ्योरी पार्ट का, एक क्वेश्चंस का, ठीक है। और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चंस का रिवीजन, ठीक है। तो क्वेश्चन का रिवीजन जब हम करेंगे, तो हम अपनी जो नोटबुक है उसमें से कोई रिवीजन करेंगे, तो हम ये कोशिश करेंगे कि जब अपन ट्राई किए जो क्वेश्चन हमसे नहीं हुए उनको स्टार मार्क करके नोट डाउन कर लें, ताकि जब हम अगली बार उस क्वेश्चन डायरी को देखें, बिल्कुल फेयर मेंटेन हो डायरी, और अगली बार जब हम उस डायरी को देखें तो हमें पता रहे कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ था और ये किस कंसेप्ट से रिलेटेड है, तो हम उस केस में उससे रिलेटेड थ्योरी को पढ़ें। यानी कि रिवीजन जब हम करेंगे तो क्वेश्चंस का भी रिवीजन साथ में करें, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इफेक्टिव रिवीजन वही बच्चा कर पाता है जिसने घर पे क्वेश्चन सोल्व किए होते हैं, ठीक है, और जिसने होमवर्क डायरी हमारी जो नोटबुक है होमवर्क क्वेश्चंस की वो ढंग से मेंटेन की हुई है। तो जो बच्चे होमवर्क डायरी मेंटेन नहीं करते हैं, होमवर्क डायरी से मतलब मेरा कि नोटबुक जो है क्वेश्चन सॉल्विंग नोटबुक डायरी मेंटेन नहीं करते हैं, उनको फाइनल एग्जाम से पहले दिक्कत आती है। तो हम इस चीज पे ध्यान रखेंगे कि नेक्स्ट डे डिस्कशन हमारा इफेक्टिव हो, ठीक है ना। ये एक कोचिंग का जो है, यानी कोचिंग के अगर अपन एस्पेक्ट देखें, तो उन कोचिंग के एस्पेक्ट में पहला एस्पेक्ट है थ्योरी क्लास, उसके बाद अगला एस्पेक्ट है क्वेश्चन सॉल्विंग एट होम, और तीसरा है डिस्कशन। यहां जाके हमारी क्लास जो है वो कंप्लीट होती है डिस्कशन के साथ, ठीक है। आगे क्या है इसके बाद, तो नेक्स्ट चीज है वो है टेस्ट एग्जाम। कोचिंग के दौरान जो है वो अगला जो फेज है हमारा, डिस्कशन हमारा ओवर हो गया, उसके बाद अगला फेज होता है एग्जाम। अब एग्जाम देते समय, ठीक है ना, बच्चे को जो सबसे ज्यादा डीमोटिवेशन होता है वो तब होता है जब उसके एग्जाम या टेस्ट में कम नंबर आए। वहीं से उसको ऐसा लगता है कई बच्चों को कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, कम नंबर आए, ठीक है। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि एग्जाम में एक और बच्चों की शिकायत होती है कि कई बार हम एग्जाम देते हैं सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा हो रही है, यानी मुझे लग रहा था क्वेश्चन सही है, मैं 10 क्वेश्चन करके आया था लेकिन 6 ही मेरे सही हुए, जबकि 4 भी मुझे लग रहा था सही है। तो देखो एक ही कारण होता है उसका कि अगर हम एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पा रहे अच्छा, तो उसका एक ही कारण होता है कि हम उसके पहले प्रैक्टिस ढंग से नहीं करके गए। जितनी ज्यादा आपको एग्जाम में जाने के पहले प्रैक्टिस आपने की होगी, एरर उतनी ही कम हो जाएगी। तो एरर ज्यादा होने का कारण यही होता है कि हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस बिफोर द एग्जाम वो थोड़ी कम है। तो एग्जाम में अच्छा करने के लिए वो प्रोसेस हमारा कंप्लीट होना चाहिए, डिस्कशन थ्योरी और घर जाके क्वेश्चन सॉल्विंग। एग्जाम जब भी हमने दिया, ठीक है,
तो एग्जाम में हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमारी रैंक जो है कहीं भी हम दे रहे हैं टॉप 10% में आनी चाहिए। क्लास की जो स्ट्रेंथ है, एग्जाम जितने बच्चे दे रहे हैं, तो हमें अपनी रैंक टॉप 10% में मेंटेन करनी है फॉर द श्योरिटी ऑफ सिलेक्शन। मान लीजिए 3000 बच्चे एक साथ दे रहे हैं तो 300 के अंदर हमें आने का टारगेट रखना ही रखना है ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और टॉप 20% में यदि हम आ रहे हैं तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि देर आर चांसेस ऑफ सिलेक्शन, यानी कि अगर आप टॉप 20% में भी आ रहे हैं कहीं पर, तो आप ये मान के चलो कि आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं, ठीक है ना। इससे कम में जो है थोड़ी सी डेंजर जोन होगा कि फिर उस केस में हमें मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत यहां भी करनी पड़ेगी अपन को, पर 20% में आने का मतलब कि हमारे सिलेक्शन के फेयर चांसेस हैं और हम कोशिश करेंगे कि टॉप 10% में आए हर टेस्ट में ताकि हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाए। तो ऐसा नहीं कि लास्ट डे ही हम देखेंगे कि हम कितना अच्छा परफॉर्म करें, उसके पहले भी कॉम्पिटिशन जो आप जहां कोचिंग ले रहे हैं वहां पर आपके टेस्ट होंगे, तो वहां ये चीज हमें इंश्योर करके रखेंगे, ठीक है। एग्जाम में गलतियां ना हो इसके लिए प्रैक्टिस पहले भरपूर करनी है तो गलतियां कम होगी, मार्क्स ज्यादा आएंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी टेस्ट में हमारे जो है मार्क्स कम आ जाए, ठीक है। तो यहां हमें थोड़ा हौसला बना के रखना है, मोटिवेशन बना के रखना है कि हम एकदम से ना टूट जाएं। अगर किसी टेस्ट में हमारे कम नंबर आ गए तो हम टारगेट डिसाइड करेंगे कि भाई अगली बार जो है हम इसको इम्प्रूव करेंगे परफॉर्मेंस को। अगर मेरी इस बार जो है सपोज कीजिए कि मैं 25% में आया हूं, तो अगली बार में जो है टॉप 20% ही लाना है मुझे, जरूरी नहीं कि हम टारगेट ऐसा कर देंगे अगली बार 5% में आना है। तो अगर 25% में अगर हम आए हैं तो 20% का टारगेट अगले टेस्ट में अपन इम्प्रूव करके 15% के अंदर आए, इस तरीके से अपन इम्प्रूव कर सकते। तो अगर मार्क्स अगर कम भी आ जाते हैं किसी टेस्ट में, तो अपन को हौसला बना के रखना है और अगले टेस्ट के लिए तैयारी करनी है। और तैयारी का प्रोसेस आपको कॉमन मैंने बता ही दिया कि तैयारी किन फेजेस में होती है, ठीक है। टेस्ट और एग्जाम देने के बाद जो है अगली चीज तैयारी में, अगर हम बात करें रैंक की कि हमने साल भर अपनी परफॉर्मेंस यहां पर रखी, हमारे सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे हैं, हम सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन सिलेक्शन के साथ हमें रैंक भी चाहिए, ठीक है। तो रैंक का जो एकमात्र तरीका है वो है रिवीजन। इन सबके साथ एक फोर नोट जो चीज होती है सब्जेक्ट को मैजिकली इंप्रूव करने वाली चीज, वो है रिवीजन। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि डेली पढ़ रहे हैं, लेकिन जो चीज आज पढ़ ली उसके 6 महीने बाद उसको दोबारा देख रहे हैं, उस केस में क्या होगा, मोस्ट ऑफ द चीजें हम भूल चुके होंगे और वो कॉन्फिडेंस हमारा कभी भी नहीं आएगा कि हमें टॉपिक आता है। तो पीरियोडिक रिवीजन इज मस्ट, ठीक है। और रिवीजन हमें कैसे करना है कि रिवीजन में दो चीजें हैं, एक तो है थ्योरी और दूसरा रिवीजन होता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, वो है क्वेश्चंस का रिवीजन। थ्योरी का रिवीजन जो है स्मार्टली करेंगे हम, 3-4 पेजेस के हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, यानी कि जब भी टॉपिक हमारा खत्म हुआ तो हम टॉपिक खत्म होते ही 3-4 पेज में उसका समरी लिखेंगे, शॉर्ट नोट्स लिखेंगे। और उनको ऐसा नहीं, शॉर्ट नोट्स इसलिए क्योंकि हम जल्दी रिवीजन कर पाए, आज टॉपिक खत्म हुआ है, अगले महीने या 15 दिन बाद हमें दोबारा उसको पढ़ना है, 3-4 पेज पढ़ने में आपको 10-15 मिनट लगेगा हार्डली, ठीक है ना। तो हमें बार बार इस चीज को करना है, ऐसा नहीं कि हम 6 महीने बाद पूरे लेक्चर नोट्स को दोबारा से पढ़ेंगे, हम उस 6 महीने के पहले जो है हर 15 दिन के इंटरवल में इन 3-4 पेजेस को जो मेन कंटेंट है उस थ्योरी का उसको हम पढ़ते जाएं। चीजें आपको जितनी याद होती जाएगी उतना ही आपके लिए अच्छा होता जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि 3-4 पेजे में शॉर्ट नोट्स अलग से डायरी मेंटेन करके, और जब भी आप सोने लगे, ठीक है, तो वहां पर उस डायरी को अलग से पढ़ लें, उस नोटबुक को जिसमें ये नोट्स लिखे हुए हैं शॉर्ट नोट्स। सब्जेक्ट को ड्रास्टिकली इंप्रूव करने का यही एक तरीका है। इससे आपको मेन जो है क्वेश्चन करने की फीलिंग आएगी कि इस चैप्टर में मेन मेन कंटेंट कौन सा है। कुछ फार्मूले बार बार पढ़ते रहेंगे तो जो इम्पोर्टेंट फार्मूले आपने लिखे हुए वो आपको याद होते जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि डेरिवेशन में हमारा समय बर्बाद होगा, ठीक है। एक चीज मैंने अभी बोली कि याद जितना होगा उतना ही आपके लिए बेहतर होता जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम हर चीज हर फार्मूला एग्जाम में जाके डिराइव करेंगे। हो सकता है कि हमने ऐसे स्टार्ट किया, पूरा फार्मूला डिराइव किया और फार्मूला पुट करके आंसर निकाल दिया, लेकिन जिस क्वेश्चन को 2 मिनट लगने थे हमने 5 मिनट में सोल्व किया,
उससे क्या होगा कि अगले क्वेश्चंस पे तनाव बढ़ता जाएगा, दबाव बढ़ता जाएगा और फिर गलतियां होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। यानी कि आप जितना समय क्वेश्चंस पे लगा रहेंगे ज्यादा, उतनी एक्यूरेसी आपकी कम होती जाएगी, क्योंकि आपको पूरा पेपर करना है। तो इस केस में आपको जितना ज्यादा याद होगा, जितना सीधा आप इम्प्लीमेंट कर दें चीजों को, उतना ही टाइम सेविंग होगा और वो क्वेश्चन में कंफर्टेबल आप एग्जाम में फील करेंगे। तो एक्यूरेसी बढ़ाने का तरीका ये भी है कि आप शोर नोट से इम्पोर्टेंट फार्मूले जो है वो याद कर लें और सीधा उसमें पुट करके आंसर निकाल। तो ये एक रिवीजन आपका थ्योरी का रिवीजन होता है। दूसरा रिवीजन हमारा क्वेश्चन का, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि साल भर हम थ्योरी थ्योरी पढ़ते रहे और क्वेश्चन का हमें आइडिया ना हो। तो जब टॉपिक चल रहा था तब हमने क्वेश्चन किए थे खूब सारे और नोटबुक हमने बनाई थी उनकी, ठीक है, और जो क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहे थे उनको हमने स्टार मार्क किया। और बहुत अच्छी हैबिट होगी कि अगर आप स्टार मार्क करने के बाद उस क्वेश्चन के नीचे उसका सब टॉपिक या उसमें जो इम्पोर्टेंट फार्मूला यूज होने वाला है उसको मार्क करके अलग से अंडरलाइन करके लिखें, तो उससे यह होगा कि थ्योरी का जो पार्ट आपको वहां जाके पढ़ना पड़ेगा, जो आपका वीक है, वो आपको यही नोटबुक में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे नोटबुक में तो वहीं पर थ्योरी का कुछ कंटेंट लिख के रखें, इम्पोर्टेंट फार्मूले जिसमें आपको दिक्कत आई, ठीक है ना, जो क्वेश्चन आपसे, तो क्वेश्चन पढ़ना वो हमारे लिए जरूरी। तो रिविजन ऐसी चीज है जो रैंक लाने का एकमात्र हमारा साधन है। तो रैंक लाने के लिए रिवीजन पर हम खास तौर से ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। यानी कि कंटिन्यूटी के साथ साथ रिवीजन आपको सेल्फ करना है, डेली आधा एक घंटा निकाल के और रिवीजन के लिए समय देना है। उसके बाद अगर आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं तो लास्ट चीज जो है वो कोचिंग के दौरान थ्रू आउट ईयर हमें सेल्फ बिलीव रखना है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों को देख के डीमोटिवेट हो जाते हैं। हमने मेहनत करी, हमारी रैंक पीछे आ गई, दूसरे बच्चे ने कम मेहनत करी, उसकी रैंक हमसे आगे आ गई, या फिर हम टॉप 20% में नहीं आ रहे हैं, 10% में नहीं आ रहे। कई बार कोचिंग के दौरान अप्स एंड डाउन आते हैं तैयारी के दौरान। तो सबसे बड़ी जो चीज है वो है करेज, साहस। साल भर आपको करेज बना के रखना है, सेल्फ बिलीफ रखना है कि मैं कर सकता हूं। जब आपको अंदर से लगेगा कि मैं कर सकता हूं, आप कर जाओगे। किसी भी मोमेंट पे हमें ये नहीं लगना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता। यानी जब आपको ऐसा लगा तो आप रेस से बाहर। तो जब तक आप पॉजिटिव रहेंगे रेस के अंदर रहेंगे। जिस मोमेंट से नेगेटिव होते जाएंगे तो नकारात्मकता से बचना है, नेगेटिविटी से बचना है। तैयारी के दौरान कई बार नेगेटिविटी अपने अंदर से आती है, कई बार नेगेटिविटी यार दोस्तों से आती है, तो उनसे भी बचना है कि ऐसा ना हो कि कोई आदमी हमें नेगेटिव कर रहा हो कि अरे यार क्या रखा है तैयारी करने में, है ना, सिलेक्शन तो होगा नहीं। तो हमें इंडिविजुअली चीज पे चेक रखना है और उसके बाद हम हमेशा ये सोचते रहे पॉजिटिव होके कि हम कर सकते हैं। देखो सिंपल प्रिंसिपल है कि जो भी मेहनत करेगा ना उसे कुछ ना कुछ जरूर अचीव होगा। अचीवमेंट का सीधा रिलेशन आपकी मेहनत के साथ है। अब किसी भी फॉर्म में वो आपको कोई अलग अलग तरह की अचीवमेंट्स होगी, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने मेहनत किस फील्ड में की है, किस मैग्नीट्यूड में की है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपने मेहनत करी और बेकार चली गई। तो आप हमेशा ये सोच के रखें कि मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं और मैं कुछ भी काम जो है वो कर सकता हूं, अचीव कर सकता हूं। तो इस मोमेंट पे अपन ये देखें कि हमारे अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि हम कर सकते हैं और उसके साथ हमारे प्रॉपर एफर्ट्स होने चाहिए साल में। इन पॉइंट्स को अपन को ध्यान रखेंगे, इन चीजों को, तो श्योरली जो है वो सक्सेस आपको आएगी आएगी, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिशन हो, चाहे जेई हो, नीट हो, चाहे आईएएस का एग्जाम हो। इन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करके अपन आईएएस में, सिविल सर्विसेज में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वहां पे भी पढ़ना ही होता है, ठीक है ना। कई लोग वहां पे बिना कोचिंग के भी कर जाते हैं। तो यहां पे तो हम ऑर्गेनाइज वे में मेहनत कर रहे हैं तो सेलेक्ट हो ही जाएंगे अगर हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो यही यहां तक अपन इसका